ग्रामर क्लास 2 में हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, नाउन के जेंडर के बारे में जानेंगे कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि कॉमन जेंडर है। जैसे सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, इसका मतलब होता है मेल, जैसे बॉय, फादर, किंग, मैन, मॉन्क, ये सब मेल हैं। और फेमिनिन फेमिनिन जेंडर में फीमेल आते हैं, जैसे गर्ल, मदर, क्वीन, लेडी, नन, ये सब नाउन है पर फेमिनिन जेंडर में आते हैं। कॉमन जेंडर में जो नाउन है वो जैसे पेरेंट, पेरेंट को कहने से दोनों का बोध होता है, जैसे माता पिता, चाइल्ड को कहने से ये नहीं पता लगता कि मेल या फीमेल है, दोनों ही मतलब उसमें काउंट हो जाते हैं, चाइल्ड में, फ्रेंड में, सर्वेंट में। अब देखिए न्यूटर जेंडर में होता है कि न तो मेल है न फीमेल है, कोई जेंडर उसका नहीं है, जैसे बुक है, कोई सामान है, पेन है, फैन है, ट्री है, ये सब न्यूटर जेंडर में आते हैं। अब हम आते हैं कि नाउन को प्लुरल कैसे बनाते हैं, बहुवचन में कैसे बनाते हैं। जैसे ई एस या एस या वी ई एस लगा के, जैसे वाइफ है तो इसमें एफ ई के स्थान पे वी ई एस देखिए लग गया तो ये प्लुरल हो गया। बाकी में सिंपल आप बॉयज, कॉज, ये सब तो जानते ही हैं, क्लासेस ई एस लगाकर बनता है। ठीक है, अब आते हैं देखिए, बाय चेंजिंग इनसाइड वोवेल, जैसे मैन का बीच का ए को ई कर दिया तो ये प्लुरल हो गया, फुट को फीट कर दिया, टूथ को टीथ, लाउस को लाइस, माउस को माइस कर दिया प्लुरल। बाय एडिंग एन, जैसे ऑक्स है तो ऑक्स में हमने ई एन लगा दिया, चाइल्ड में चिल्ड्रन आर ई एन लगा दिया, तो आर ई एन लगा दिया तो चिल्ड्रन हो गया, ये प्लुरल हो गया। अब देखिए कुछ लैटिन वर्ड के बारे में जानते हैं, जैसे इरेटम का प्लुरल इरेटा होता है, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, फार्मूला में ई लगा देते हैं तो प्लुरल हो जाता है, रेडियस में अस को यू एस को हटा के एक आई जोड़ देते हैं तो रेडी, ये त्रिज्या का प्लुरल फॉर्म हो जाता है, इंडेक्स का इंडिसेस, टर्मिनस का टर्मिनी। कुछ ग्रीक वर्ड भी देख लेते हैं, जैसे एक्सिस का एक्सिस, पैरेंथेसिस का पैरेंथेसिज, क्राइसिस का क्राइसेज, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, बेसिस का बेसेज, बेसिस का बेसिज, फेनोमेनन का फेनोमेना, एनालिसिस का एनालाइजेस, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। इस तरह से हम देखते हैं। अब सम नाउंस आर सिंगुलर एंड प्लुरल बोथ, जैसे सीप जो है वो सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है, डियर जो है सिंगुलर में भी यूज होता है प्लुरल में भी, एयरक्राफ्ट को हम सिंगुलर भी बोल सकते हैं और प्लुरल में भी एयरक्राफ्ट ही लिखेंगे, सीरीज इस तरह से, स्पेसीज, पेयर, डोजन, ग्रॉस, 300, तो इसको हम लोग 100 भी होगा तो 100 लिखेंगे, 300 भी है तो 300 ही लिखेंगे, कोई एस वेस नहीं लगाएंगे, 2000 इस तरह से। अब देखिए आता है सम नाउंस आर यूज ओनली इन प्लूरल, सिर्फ प्लूरल वर्सन ही इसका यूज होता है, जैसे सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, ट्रार्स, जीन्स, शॉर्ट्स, थैंक्स, एसेट्स, आर्म्स, रिचेज, ये सब प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, सिंगुलर में नहीं होते हैं। अब कहता है कुछ नाउन जो है दिखते हैं प्लूरल, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पर हैं सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट, न्यूज इज गुड, इस तरह से हम देखते हैं, बिलियर्ड्स, रिकेट्स, ड्राउट्स, ये सब हैं सिंगुलर एक्चुअल में। अच्छा, कुछ नाउन जो है हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री। अब देखिए कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके प्लूरल में आते ही मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे क्लोथ का अगर हम देखिए, इसके टू फॉर्म होते हैं, जैसे क्लोथ का एक तो क्लोथ्स है जिसमें कि इसी का ज्यादा मात्रा में, जैसे काइंड पीसेस ऑफ क्लोथ, ढेर सारे कपड़े हो गए तो क्लोथ्स, लेकिन जहाँ पे क्लोथ्स हो गया जैसे ई एस अगर लग जाता है, ये प्लुरल है इसका, इसका मतलब पोशाक हो जाता है, परिधान हो जाता है, जैसे आपने कौन सी पोशाक पहनी है, कोई सूट पहना है, कोई कोट पैंट पहना है, तो ये पूरा एक सेट हो जाता है पोशाक जिसको बोलते हैं, क्लोथ ई एस लगने पे, CLOTH ई एस लगने पे। अब डाई का देखिए, डाइज और डाइस है, डाइज का मतलब स्टैम्प फॉर क्वाइनिंग होता है, ये जो जो डाई का यूज होता है ना, जिसको कहते हैं एक फॉर्मेट
उसका जैसे कोई कॉइनिंग जैसे मुद्रा का जहाँ पे छपाई होता है तो एक डाई बनता है, उस डाई को यूज किया जाता है उसको छापने के लिए, और उसी इसको डाइज बोलते हैं। और डाइस का मतलब होता है जो पासे होते हैं, पासे जिसमें क्यूब साइज का जो पासा होता है उसको। इंडेक्स का देखिए, इंडेक्सेस, इंडेक्सेस जिसको टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं, और इंडिसेस जो आप पढ़ते हैं अलजेब्रा में, इंडिसेस सर्ड एंड इंडिसेस घात जिसको बोलते हैं पावर, वो इंडिसेस है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, कुछ नाउन में देखिए सिंगुलर में दो मीनिंग हो जाता है, पर प्लुरल में एक ही मीनिंग होता है। जैसे लाइट अगर सिंगुलर है तो इसका लाइट का मतलब प्रकाश, चमक, और लैंप भी होता है इसका मतलब, दो मीनिंग है। लेकिन एस लगा देंगे तो सिर्फ लैंप ही होगा, लैंप सी इसका मीनिंग हो जाएगा। पीपल में देखिए दो मीनिंग होता है, एक तो राष्ट्र को, देश को भी पीपल बोलते हैं, और मैन एंड वोमेन को भी, पर पीपल में एस लगा दिया तो सिर्फ देशों के लिए ही प्रयोग होता है। देश का प्लुरल कई देशों में ही, प्लुरल देशों के लिए पीपल्स का यूज होता है। पाउडर का देखिए डस्ट होता है, मीनिंग दो मीनिंग है, और डोज ऑफ मेडिसिन है। जबकि पाउडर से अगर बोलेंगे तो डोजेज ऑफ मेडिसिन ही इसका अर्थ, एक ही अर्थ होगा। प्रैक्टिस का देखिए दो मीनिंग होता है, एक तो हैबिट आदत, और एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन, जैसे लॉ प्रैक्टिस कोई कर रहा है तो दो मीनिंग हो गए। जबकि प्रैक्टिसेस अगर बोलेंगे तो एक ही मीनिंग होगा, हैबिट्स। तो इस तरह से हम देखते हैं इस चैप्टर में हमारी जो वर्ड्स की नॉलेज है वो भी मजबूत होती जाती है, स्ट्रांग होती जाती है। सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड टू इन प्लुरल। अब इसमें देखिए सिंगुलर में एक ही मीनिंग, जैसे उसमें हमने देखा था कि सिंगुलर में दो मीनिंग था, तो इसमें सिंगुलर में एक ही मीनिंग है और प्लुरल में दो मीनिंग है। जैसे कलर का मतलब ह्यू यानी कलर, रंग, लेकिन अगर एस लगा दिया कलर्स तो ह्यूज भी हो गया और कई रंग, और फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, किसी रेजिमेंट का जो झंडा होता है उसको कलर्स भी बोलते हैं। कस्टम देखिए, कस्टम का मतलब हैबिट होता है, और कस्टम्स है अगर हो गया तो हैबिट्स तो हो ही गया, और ड्यूटीज जैसे कस्टम ड्यूटी होता है वो इसकी मीनिंग होती है। अब फिर हम देखते हैं, देखिए इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब रिजल्ट होता है, परिणाम। इफेक्ट्स अगर एस लग गया तो परिणाम तो है ही, ढेर सारे परिणाम, कई परिणाम, और इसका मतलब प्रॉपर्टी भी होता है जैसे संपत्ति। मैनर का मतलब देखिए मेथड होता है, और मैनर्स हो गया तो मेथड्स तो होगा ही होगा, आगे इसका करेक्ट बिहेवियर भी होता है। मोरल का देखिए, मोरल पर्सन है तो मोरल्स का मतलब मोरल लेसन्स तो होगा ही, और इसका आचरण भी होता है, कंडक्ट भी होता है, मीनिंग प्लुरल में। अब नंबर का देखिए, अगर नंबर का हम लेते हैं तो नंबर के मीनिंग होती है देखिए क्वांटिटी, और नंबर्स का मतलब क्वांटिटी भी होता है और छंद भी होता है। जैसे कविता में छंद होते हैं जिसको स्टेंजा बोलते हैं इंग्लिश में, वर्सेस, वो भी मीनिंग होते हैं। अब देखिए पेन, पेन का मतलब होता है सफरिंग, जिसको कहते हैं दर्द या कष्ट, पेन हो रहा है, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन पेंस अगर है तो दर्द तो है, इसका मतलब प्रयास भी होता है, उद्योग भी, जैसे कोई परिश्रम कर रहा है उसका, उसकी मीनिंग भी उसको भी पेंस ही कहा जाता है। इस तरह से प्लुरल में दो मीनिंग हो गए। क्वार्टर का देखिए, फोर्थ पार्ट को क्वार्टर कहते हैं, 1/4 पार्ट, ठीक है, 1/4 जिसको। लेकिन क्वार्टर्स है तो इसको रहने का घर भी होता है, और फोर्थ पार्ट्स तो हो ही है, लॉजिंग का मतलब रहने का स्थान है ना। स्पेक्टेकल का मतलब साइट होता है, दृष्टि, और एस लग गया तो दृष्टि तो होगा ही होगा, और आई ग्लासेस भी यानी चश्मे को भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि नाउंस के सिंगुलर, प्लुरल, और प्लुरल में कई मीनिंग, सिंगुलर में दो मीनिंग, इस तरह से हमने देखा कि नाउन के कई प्रयोग हैं। और इस पर बेस्ड आपको एक्सरसाइजेज दिए जाएंगे जिनको आपको करना है, और उसी एक्सरसाइजेज से आपका ये जो वर्ड भी जो आपने आज सीखा वो पूरा ही पक्का हो जाएगा, और काफी आपका वोकैबुलरी भी मजबूत हो जाएगा। धन्यवाद।